The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, let's start. Namaskar, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education aur aaj hum baat karenge अच्छे स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस के बारे में. गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस. भैया देखो, चिंता मत करो, स्ट्रेस मत लो. स्ट्रेस बहुत बेकार है. चिंता चिता बराबर है, ये सब तो सुना ही होगा आपने. और इसके चलते दुनिया भर में ये चलन है, ये सोच है, ये विचार है कि स्ट्रेस जो है वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आपके लिए खराब है. तो ये गलत भी नहीं है, स्ट्रेस खराब होता है, लेकिन हर तरीके का स्ट्रेस या हर लेवल का स्ट्रेस आपके लिए खराब नहीं होता. थोड़ा बहुत स्ट्रेस, कुछ प्रकार का स्ट्रेस आपके लिए अच्छा भी होता है, राइट? इसमें आपका देखने का नज़रिया ज़रूर मायने रखता है कि आपका ग्लास जो है पूरा भरा है या पूरा खाली है, और क्या है क्या नहीं है, आधा भरा आधा खाली. सो दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं. एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि हो सकता है कि आप किसी काम से लेट उठने हैं, लेट उठना हो, काम में नहीं जाना हो, पढ़ाई नहीं करना हो, उसमें आपकी मदद कर सकता है. इसको हम गुड स्ट्रेस या ईयू स्ट्रेस भी कह सकते हैं. ईयू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस. नाउ, और एक ऑफुल वाला स्ट्रेस होता है जो बेकार होता है, जिससे आपके परफॉर्मेंस में गिरावट आती है. गुड स्ट्रेस से आपके परफॉर्मेंस में आपकी परफॉर्मेंस, आपके इंटेलेक्ट में बढ़ावत आती है. सो गुड स्ट्रेस क्या है, यू स्ट्रेस क्या होता है? यू स्ट्रेस मतलब ये आप मान लीजिए कि एक थोड़ा सा, अगर आपने कोई डरावनी पिक्चर देख ली, मान लो आपने एक स्कैरी मूवी देख ली, एक किलर थ्रिलर मूवी देख ली, और अगर आपको लग रहा है कि किलर जो है, जो कातिल है, वो आपके आसपास ही है, सो आप स्ट्रेस में आ जाओ. यू आर स्ट्रेस्ड, है ना? कई बार आपका दिल की धड़कन बढ़ने लग जाएगी, आप ऐसा, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो सकती है. एक तरफ कुछ लोग इंट्रिक्ड भी हो सकते हैं, एक्साइटेड भी हो सकते हैं कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है. और वो अगर यही चीज़ पिक्चर में हो रही होगी तो एक्साइटेड होंगे, भाई कौन है क्या है, आगे का देखें, राइट? और ये जो स्ट्रेस है, ये एक तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. कोई मरने वाला है, कोई कुछ होने वाला है, लेकिन आप एक्साइटेड हो, आप सुपर एक्साइटेड हो कि क्या होने वाला है, कोई बचेगा कि नहीं बचेगा. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस प्रूव कि आप स्ट्रेस को कैसे लेते हो, वो भी मायने रखता है. कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में होगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, उसका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, भागने को रेडी होगा. लेकिन यहां पर आप एक्साइटेड, आप पढ़ाई में, अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं होगा या डर नहीं होगा फेल होने का, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे. पहले से मार्कशीट, पहले से कोई चिट हाथ में पड़ी होगी तो फिर पढ़ाई नहीं करोगे, तो सीखोगे नहीं. सो स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड. यू स्ट्रेस बोलते हैं इसको. और यू स्ट्रेस कैसे और किस किस प्रकार से आप लोगों को फायदा देता है, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ऑलराइट, तो यू स्ट्रेस का मतलब है, और याद रखिए, यू स्ट्रेस यानी गुड स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि आपको फील गुड होगा. नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेस होता है, उसमें फील गुड होना जरूरी नहीं, राइट? आप उस समय भी आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, उस समय भी आपको घबराहट हो सकती है, उससे भी आपको एड्रेनलिन रश फील हो सकता है. बट इन रियलिटी इस समय आपका जो भी एंड रिजल्ट हो रहा है, वो आपके खुद के, आपके फ्यूचर के लिए, आपके इंटेलेक्ट के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छा है. गुड स्ट्रेस से आपका, यू स्ट्रेस से आपकी अचीवमेंट बेटर हो सकती है, और बैड स्ट्रेस से अचीवमेंट खराब हो सकती है. मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो, या कोई किसी को अप्रोच करते हो और आप रिजेक्ट हो जाते हो, आप रिजेक्ट कर देता है कोई आपको, वो अपने आप में एक स्ट्रेस है, राइट? तो यहां पर ये एक किसी एक इंसान के लिए देवदास बन जाएगा, कोई इंसान राइट बैड हैबिट्स में चला जाएगा या वो स्ट्रेस लेके डिप्रेस हो जाएगा, तो ये एक बैड स्ट्रेस बन जाएगा. और वही इंसान इसको
अपने आप को आईने में देख के सोच सकता है कि भाई मेरे में क्या कमी, दे कैन ट्राई टू इम्प्रूव देम सेल्फ, राइट। आगे वाले ने कहा भाई तुझे तो पहनने कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, चलो कपड़े पहन, तेरे पास तो पैसे नहीं है, चलो भाई कमाई करते हैं, चलो कुछ बन के दिखाते हैं। सो सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, सम काइंड ऑफ ये चीज दोनों के लिए, ये हुआ तो एक ही चीज, राइट। एक तरफ वो किसी ने गलत ले लिया, एक तरफ किसी ने बहुत अच्छे ले लिया। सो आपको ये देखना है कि आपका देखने का नजरिया क्या है, आपका री आपको अपने अप्रोच को रीवैल्यूएट करना है, और यू हैव टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग इन दिस थिंग बेसिकली, राइट। यू स्ट्रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रेजिलियंस, डेवलपिंग रेजिलियंस इन योर कैरेक्टर। और इसको समझाते हैं, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है एक तरीके का स्ट्रेस। अगर आपके लाइफ में आपका गुड स्ट्रेस ही नहीं होगा, यू स्ट्रेस ही नहीं होगा, तो क्योंकि रेजिलियंस ऐसी चीज नहीं है जो जो आप लेके पैदा हुए हो, ये आप अपने जीवन शैली में अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें झेल के आपको आती है। लिविंग थ्रू योर हार्ड डेज टीचेस यू हाउ टू सर्वाइव दीज डेज। तो इस प्रोसेस के लिए एक स्ट्रेस बहुत जरूरी है। जो इंसान मुश्किलों से नहीं गुजरा है वो इंसान मैच्योर ही नहीं होता है, वो बच्चा ही होता है, याद रखिएगा। सो मुश्किलों से गुजर के ही आप मैच्योर होते हैं, वरना क्या मैच्योर हो। और आपके फिजिकल, तो मेंटल वेलबींग के लिए यू स्ट्रेस बहुत जरूरी हो गया। आपके खुद के पर्सनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए यू स्ट्रेस जरूरी हो गया। और तो और आपके फिजिकल वेलबींग के लिए भी यू स्ट्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एंक्शियसनेस होना चाहिए आपके बॉडी के शेप के बारे में, आप कैसे दिखते हो के बारे में, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मोटा हूं पतला हूं, बैठे खा रहे हैं तो क्या फायदा। यू नीड टू बी हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस, एंड दैट्स हाउ यू विल बी डूइंग टफ टफ वर्कआउट्स। आपको यू स्ट्रेस एक पावर देता है आपको और एक सेट करने का, और एक आधा और एक बार एक्सरसाइज करना, आज भी एक्सरसाइज करना, राइट। दैट्स वेयर यू स्ट्रेस मैटर्स, राइट। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप जा रहे हो, अनफमिलियर जगहों पे जा रहे हो, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे वहाँ का कस्टम अलग है, सिस्टम अलग है, आपको वहाँ पर दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। मगर ये दिक्कतें आपको नई चीज़ें सिखा भी सकती है, नया दुनिया दिखाती है, नया व्यू दिखाता है, पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, कुछ नए टेस्ट मिलते हैं। सो देर आर गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेस। ट्रैवलिंग इज अ स्ट्रेस। अपने घर में आराम से बैठना, अपने काउच पे बैठना, आराम की जिंदगी, वो स्ट्रेस नहीं है। लेकिन इंसान ट्रैवल करना चाहता है, स्ट्रेस लेना चाहता है। सो गुड स्ट्रेस इसका ये एक एग्जाम्पल है। लाइफ में चेंजेस आना अपने आप में एक स्ट्रेस है, राइट। शादी करना अपने आप में एक स्ट्रेस है। एक किसी इंसान के साथ रहना, एक नया इंसान आपके साथ रहना, एक स्ट्रेस आ जाता है। इट कैन बी स्ट्रेस। एंड शादी के टाइम पे भी इंसान बहुत स्ट्रेस होता है, ऑल्दो ये एक ओवरवेलमिंग कंडीशन होती है, राइट। बिग लाइफ चेंज होता है, और ये भी एक तरीके का यू स्ट्रेस है। ये आपको अच्छी जगह लेके जाने वाला है, राइट। ऑब्वियसली अगर गलत पार्टनर ना मिल जाए, वो एक पॉसिबिलिटी होती है, बट देन इफ यू हैव अ गुड डिसेंट पार्टनर तो आपकी लाइफ अच्छी होने वाली। बट स्टिल यू आर स्ट्रेस बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो हाउ योर पार्टनर इज गोइंग टू बी। सो दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। और कोई नई हॉबी लेते हैं आप, मान लीजिए किसी भी प्रकार का, क्लासेस लगा रहे हैं, मान लो गिटार क्लासेस, सितार क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, कोई हॉबी कराटे, आपको नहीं पता कि वो लैंग्वेज लेसन, वो जो भी आप सीखना चाह रहे हैं, आपको आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक तरीके से चाहे आप उसमें सक्सेसफुल हो या नहीं, यू आर एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन। सो दैट स्ट्रेस इज गुड फॉर योर इंटेलेक्ट, राइट। सो इसलिए बच्चों को, बड़ों को कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। अब ये बात क्लियर होगी कि गुड स्ट्रेस इज गुड, बैड स्ट्रेस तो है ही बैड, ठीक है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, गुड है कि बैड, राइट। जहां तक और बेसिक है, यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बोलते हैं, तो बैड स्ट्रेस का क्या नाम है, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज बैड, यू स्ट्रेस इज गुड। सो हाउ कैन यू टेल द डिफरेंस, राइट।
याद रखिए, अगर आप किसी इवेंट को चैलेंज समझ रहे हैं तो वो गुड है, थ्रेट समझ रहे हैं तो बैड है। ये बेसिक एक एक फंडा हो गया। चैलेंज है तो एक मान लो हार्ड वर्कआउट है, डिफिकल्ट चीज है, नया टास्क है, नया लैंग्वेज है, वो आपको सिखाएगा। स्ट्रेस है, थ्रेट है, तो कई लोग एक थ्रेट आपके जॉब पे, थ्रेट आपके लाइफ पे, थ्रेट आपके रिलेशनशिप पे, थ्रेट वो एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा ज्यादा शक, एक उस तरीके का स्ट्रेस बैड स्ट्रेस हो जाता है। वाइफ शक कर रही है, वो बैड स्ट्रेस है, वो कहीं पे भी अच्छा नहीं है, राइट। सो जॉब पे जॉब स्टेबल नहीं है, वो स्ट्रेस है, राइट। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेस है। सो हमें क्या करना है, इस प्रकार के स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करनी है जितना हो सके। पढ़ लिख के अपने आप को इंटेलिजेंट बनाइए, अपने सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, कमाई करिए। फाइनेंशियल स्ट्रेस को बाजू में रख दीजिए, फैमिली स्ट्रेस को जितना अच्छे से हो सके मैनेज करिए, कोरोना स्ट्रेस को अवॉइड करिए, कोरोना स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपके फैमिली में 60 साल के ऊपर कोई नहीं है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होने वाला, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो। बट ऑब्वियसली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिएगा, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हेल्दी लाइफ तो जीनी पड़ेगी, राइट। हेल्दी लाइफ भी नहीं है तो फिर वो गलती आपकी है। सो हेल्दी लाइफ जीना अगर आज तक नहीं किया तो आज से शुरू करिए, बेटर लेट देन नेवर। वो स्ट्रेस हटा दीजिए, फैमिली स्ट्रेस हटा दीजिए, पॉजिटिव स्ट्रेस अपने लाइफ में और लेकर आइए। पॉजिटिव स्ट्रेस लाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ कुछ ना कुछ नया सीखना है। समय है तो कुछ नया करिए, समय है तो लाइफ में ऐसे बदलाव लाइए, थोड़े मुश्किल बदलाव ही सही, लेकिन वो आपको ग्रो करवाएंगे, आपको ग्रो करवाएंगे। चाहे आपका जॉब चला गया हो, ऑनलाइन जॉब करिए, ऑनलाइन सीखिए, खुद को डेवलप करिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। आज नहीं तो कल वापस आप मैदान पे आने वाले हैं, उस समय आपकी स्पीड जो है वो बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि मोटे हो गए, खच्चर बन के बैठे हैं, है ना, वो भी नहीं करना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस टाइम इज योर्स, यूज इट। स्ट्रेस लो अच्छा वाला, यूज स्ट्रेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस।